हेलो स्टूडेंट्स, वी विल रीड एट्थ चैप्टर ऑफ फोर्थ क्लास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। दे डोंट शो एन एक्शन, वो एक्शन शो नहीं करती। दे टेल अस समथिंग अबाउट एन एक्शन, वो एक्शन के बारे में बताती हैं हमें। द मेन मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। लेट अस लर्न अबाउट द यूज ऑफ दीज वर्ब्स। Can and could. We use can and could to talk about people's ability to do things. Ability होती है योग्यता, किसी भी व्यक्ति की किसी काम को करने की योग्यता, कि उसमें कितनी क्षमता है किसी काम को करने की। तो वो जब हमें किसी चीज़ को बताना हो कि वो इतना भाग सकता है, वो इतना वर्क कर सकती है, वो ये नहीं कर सकती, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन जो है प्रेजेंट में और कुड पास्ट में आ जाता है। शी कैन रन फास्टर देन मी, वो मुझसे भी तेज़ भाग सकती है, मतलब उसकी एबिलिटी है, भागने की क्षमता है ज़्यादा तेज़। ठीक है, सम बर्ड्स कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ बर्ड्स जो हैं उनमें एबिलिटी क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो फ्लाई कर सकते हैं, लंबी दूर तक। ही कांट फ्लाई एन एरोप्लेन, वो एक एरोप्लेन नहीं चला सकता। आई एम फुल, आई कांट ईट एनी मोर, मैं और नहीं खा सकता, कि मेरी एबिलिटी जितनी थी मैं फुल हो गया, अब मेरी और खाने की एबिलिटी नहीं है। आई कांट ईट एनी मोर, तो इसमें भी क्या है, एबिलिटी है कि खाने की अब और क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार जो एबिलिटी, व्यक्ति की क्षमता के बारे में, कैपेसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। और कुड, कैन और कुड एक ही बात है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति में कोई कैपेसिटी थी, मतलब वो कल तक वो भाग सकती थी, बट आज वो भाग नहीं सकती। ठीक है, मीन्स और वो रन फास्ट कर सकती थी बट आज नहीं कर सकती और कर सकती थी में अंतर है। उसी प्रकार कैन और कुड में बस इतना सा अंतर है। ठीक है, जैसे जैक रेन एज फास्ट एज ही कुड, जैक इतना भागा जितना कि वो भाग सकता था। तो देखो, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो हम पास में अगर मतलब यहाँ पे कुड ना दिया होता, यहाँ पे रेन दिया, तो हम कुड लगा ही देते बिकॉज पास्ट टेंस हो जाता। मिस ली कुड स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब वो बोल सकती थी, मतलब पहले बोल सकती थी, अब उसमें कैपेसिटी नहीं है। अमित कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, अमित ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। ठीक है, डेविड कुड नॉट ड्रा पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, डेविड पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकता था, इसमें था आ गया, बस पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। ठीक है, ये समझो पास्ट, कुड पास्ट वर्ड है। वुड एंड शुड, देखो जो शुड है वो हम किसी को सजेशन के लिए वैसे रीड कर ही लेते हैं। इसमें वी शुड, वी यूज वुड व्हेन वी ऑफर पीपल थिंग्स टू और आस्क फॉर समथिंग, जब हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में कोई ऑफर देते हैं किसी को, या फिर किसी ऑफर के किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं। चॉइस, इसमें दो चॉइस होती है। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में, लाइक वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम पोलाइटली जब हम पूछते हैं, ऑफर करते हैं कि तुम टी पीना लोगे, व्हाट फ्रूट वुड यू लाइक, कौन सा फ्रूट आपको पसंद है। वुडंट यू लाइक अ सैंडविच, क्या तुम सैंडविच नहीं लाइक करते। वुड यू चेक माय स्पेलिंग, क्या तुम स्पेलिंग चेक करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में, चॉइस के बारे में पूछते हैं उनकी, वी यू शुड टू टॉक अबाउट नेसेसरी एक्शंस और थिंग्स दैट पीपल ओट टू डू, मतलब जो चीज़ करनी ही चाहिए किसी व्यक्ति को, कुछ आवश्यक चीज़ें। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें खाने चाहिए, इसमें सजेशन आ जाता है। देखो अब ये सजेशन ही है, एडवाइस ही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लेंटी, प्लेंटी मतलब ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत मात्रा में फ्रूट्स खाने चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, तो ये भी सुजेशन है जिसमें चाहिए चाहिए वाले एक्शन आ जाते हैं। ठीक है, शुडंट टेल, शुड नॉट टेल योर मदर यू आर गोइंग टू द मार्केट, कि तुम्हें क्या नहीं बताना चाहिए कि तुम मार्केट जा रहे हो अपनी मम्मी को, मतलब बताना नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, शुडंट बी लॉक द
डॉर्स बिफोर लिविंग, क्या हमें लॉक भी कर देना चाहिए ये पूछने, मतलब ये भी क्या है क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें सजेशन दिया जाता है, तो उसमें शुड यूज किया जाता है जब हम ऑफर करते हैं किसी चीज के बारे में, पूछते हैं किसी की चॉइस पूछते हैं, उसमें भी उसमें वुड यूज करते हैं। ठीक है,